हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सीमास किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काला चना रेसिपी, जो एकदम आसान और एकदम इजी है। आप एकदम आसानी से घर पे बना सकते हो, तो चलिए बनाते हैं। काला चना रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए काला चना, जो उबला हुआ होना चाहिए इस तरीके से। देखिए, मैंने इसे ओवरनाइट भिगो के रखा, फिर उबाल लिया। यहाँ मैंने एक आलू लिया है, एक टमाटर, एक प्याज और एक हरी मिर्च। तो चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें डालूँगी 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 हरी मिर्च कटी हुई, प्याज डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेना ऐसे। अब डाल दूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, आलू डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा नमक, ताकि आलू जल्दी से पक जाए। मिक्स कर देते हैं। देखिए, अब इसमें टमाटर डाल दूंगी, सारे टमाटर डाल देंगे इसमें। अब टमाटर गलने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, टमाटर पक चुके हैं। अब इसमें डालूंगी मैं चना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार डाल सकते हो आप लोग, धनिया पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे। यहाँ मैंने 1 चम्मच जलजीरा पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये डाला गरम मसाला। आप चाहो तो जलजीरे की जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हो। ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। देखिए, पक चुकी है अच्छे से। हम गैस बंद कर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल सीमास किचन चौहान को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।